नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, इराक, नाइजर, इन सभी देशों में क्या कॉमन है? आपको बता दें, इन सभी देशों में मुस्लिम समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि किस परसेंटेज से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है और क्या होगा 2050 तक इन देशों का हाल, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम वेदिका और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। प्यू रिसर्च सेंटर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक मुद्दों, जनमत और पूरी दुनिया की जनसंख्या और उनके रुझानों के बारे में रिपोर्ट जारी करता है। आज हम प्यू रिसर्च सेंटर की जारी इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे, जिनमें बताया गया है कि आने वाले सालों में मुस्लिम आबादी कितनी होगी और आज के समय में किस परसेंट से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी फिलहाल 24% है, यानी कि 1.8 बिलियन मुसलमान है। लेकिन वहीं अगर क्रिश्चियन की बात की जाए तो उनकी पॉपुलेशन 2.4 बिलियन है। और जिस रेट से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, 2050 तक मुस्लिम आबादी क्रिश्चियन आबादी तक पहुंच जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि 2050 तक भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन आज की तरह 35% से बढ़ी, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट बढ़कर 73% होगा। इसका मतलब है कि मुस्लिम आबादी 73% की तेजी से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है, दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। आप जानकर हैरान होंगे कि 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे करते हुए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। और तो और 2050 तक इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी पीछे रह जाएगा और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा भारत में होगी। 2011 में हुई भारत की जनगणना पर एक नजर डालें तो आपको बताते चलें कि इंडिया में लगभग सिर्फ 17 करोड़ मुस्लिम थे। इसका मतलब था कि पूरी इंडिया के पॉपुलेशन के सिर्फ 14.2% मुस्लिम थे। अब इस बढ़ते रेट के अनुसार 2023 के अंत तक इंडिया में पॉपुलेशन 20 करोड़ से ऊपर हो गई है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।